बुधवार को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त हनुमान सिंह भाटी ने जेलन अस्पताल का निरीक्षण किया तो व्यवस्थाओं में कुछ सुधार पाया। वहीं अस्पताल के कई बाथरूम और कमरे आज भी बदतर हालत में मिले। 24 जनवरी को एडीसी हनुमान सिंह भाटी ने जेलन अस्पताल का निरीक्षण कर वहां व्याप्त तमाम अव्यवस्थाओं को 3 दिनों में दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। अस्पताल प्रबंधन और ठेकेदार ने कुछ हद तक निर्देशों की पालना भी की, लेकिन पूरी तरह का सुधार अस्पताल में नहीं हो पाया। बुधवार को ठेकेदार को साथ में लेकर भाटी ने एक बार फिर अस्पताल का दौरा किया और बची हुई अव्यवस्थाओं को अगले 3 दिन में चाक चौबंद करने का अल्टीमेटम दे दिया। मीडिया से बात करते हुए भाटी ने बताया, काफी फर्क है, लेकिन जो कमियां पिछली बार में बताया था वो कमियां अभी भी मौजूद है। उनके लिए एक समयबद्ध दे दिया है इनको कि 3 दिन के अंदर सफाई करेंगे। जैसे क्या कमियां? जैसे नीचे जो पाइपलाइन वगैरह जो डली हुई है, मलबा जहाँ पर पड़ा हुआ है उसकी सफाई करनी आवश्यक है। 2-3 कमरे ऐसे हैं जिसके अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कई सालों से पुराना, उसको भी हटाने के लिए और कंडम के लिए बोल दिया है। वैसे तो पिछली बार भी बोला था ये। हाँ, उसके इंडिविजुअल अगर वो हमने एस्टीमेट बना लिए हैं, आज 3 बजे मीटिंग है उसकी, उसके अंदर निर्णय ले लेंगे। और जैसा एसी साहब ने अश्योर किया है कि इसको अब क्या 15 या 20 दिन के अंदर दो लिफ्ट इसमें शिफ्ट करने की स्थिति में आ जाएगी। हाँ, उसकी नीलामी के लिए लिस्ट बढ़ाने का निर्देश दे दिए हैं, वह भी 15 दिन के अंदर उसको नीलाम करने की जहाँ तक कार्रवाई हो जाएगी, जिससे कि कुछ कमरे खाली हो जाएंगे। और प्रयास जारी है अभी इसके लिए।